हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज आप देखेंगे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, अर्ली ट्रेड एक्टिविटी। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, बैठे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने डाल दिया। जिसको कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े मेन मेन पॉइंट्स जो है वो मैं बता देता हूँ पहले। तो ये रोमन कॉइन्स है, बाद में इंडिया और मेसोपोटामिया का मैप है, एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, बाद मेडिटेरेनियन सी और इधर विनिस और जेनोवा है, बाद में मार्को पोलो का यह है फोटो है, कुबलाई खान, चाइनीज सिल्क, बाद में कॉटन, प्रेशियस स्टोन, परफ्यूम्स, गम्स, डे फ्रेगनेंस, वुड, ज्योग्राफिक बुक और मर्चेंट हैंडबुक, क्रिश्चियन मिशनरी, मरियनर कंपास, एस्ट्रोलेब, ये है यहाँ पर एस्ट्रोलेब, ज्योग्राफिकल मैप, शिप बिल्डिंग, ऑटोमन टक का फोटो इधर है, रूलर ऑफ पोर्चुगीज प्रिंस हेनरी, बाथलोम डाइस, वास्को डगामा, रूलर ऑफ कलिकट, क्रिस्टोफर कोलंबस, रूलर ऑफ स्पेन, फर्डिनांड एंड क्वीन इजाबेला, अमेरिको वास्पुची, फर्डिनांड मैगलन, जॉन कैबॉट, रूलर ऑफ इंग्लैंड हेनरी सेवन, रूलर ऑफ फ्रांस फ्रांसिस वन, इम्पीरियलिज्म, ऐसे हाथ सब जगह एक बैठकर सब जगह देखता है, उसको इम्पीरियलिज्म बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स, लोन देने वाले कंपनी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग रिलेशनशिप एग्जिस्टेड सिंस द एंशियंट एंड द रोम सिविलाइजेशन। एविडेंस ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रोमन कॉइन्स। ओके, तो रोमन कॉइन्स जहाँ पर यहाँ पर जब साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे तब उनको बोल रहे कॉइन मिला कहाँ का, रोमन जमाने का, रोमन का जमाने का उनका कॉइन मिला। तो उससे क्या पता चलता है कि रोमन जमाने में यहाँ पर लोग आए होंगे और यहाँ पर व्यापार करने के लिए उन्होंने कोशिश किया होगा, तो उस टाइम के कॉइन्स यहाँ पर मिल गए, तो वो कॉइन से पता चलता है कि वो लोग आए थे करके। बाद में इंडस सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडिया हैव बीन रिकॉर्डेड। तो ये क्या पढ़ रहे हैं, इंडस सिविलाइजेशन मतलब इंडिया जब तैयार हो रहा था वहाँ उस टाइम का भी उनको रिकॉर्ड्स मिले हैं कि इंडिया और मेसोपोटामिया, ऊपर मैप दिया है मैंने, तो मेसोपोटामिया के दोनों के बीच में व्यापार होता था, के एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था बोल रहे। बाद में इन मेडिवल एजेस द मेडिटेरेनियन सी एंड द बाल्टिक सी वे यूज एज अ कमर्शियल हाईवे। तो ये जो समुन्द्र दो थे, मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी, ये बहुत यूज होता था, इसलिए उसको कमर्शियल हाईवे का नाम दिया गया बोल रहे। एंड जिनोवा एंड विनिस वे द इम्पोर्टेंट सिटीज एक्सचेंज देयर गुड्स। और इनका जो मेन स्टॉप पॉइंट होता था, नहीं तो जब सब लोग आते थे और एक्सचेंज करते थे गुड, वो सिटीज का नाम था जिनोवा और वेनिस करके, तो यहाँ पर लोग आकर एक्सचेंज करते थे गुड्स। तो सिल्क रूट वॉज वन ऑफ द मेजर रूट यूज बाय द अरब मर्चेंट्स विथ फार ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज लाइक चाइना। तो अरब मर्चेंट जो थे वो ज्यादा करके सिल्क रूट यूज करते थे बोलते हैं। तो सिल्क रूट मतलब रास्ता के यूज करते थे कहाँ पर जाने के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज में जाने के लिए, लाइक चाइना, चाइना में भी जाते थे वो, और उधर से प्रेशियस स्टोन भी लाते थे। लाइक एमरल्ड, रूबी भी ऐसा लाते थे। सो लिमिटेशंस ऑफ ट्रेवलिंग बाय लैंड रूट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी लिमिटेशन बोला गया मतलब जमीन के रास्ते से ऊंट नहीं तो घोड़ा भी लेकर जाते थे, तो उसमें क्या क्या तकलीफ होता था, नहीं तो अंदर क्या क्या कठिनाई आती थी, तो लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज। तो एक था उनको बहुत सारा दिन लगता था, इट टुक्स मंथ। ओके, तो बहुत दिन लगता था जाने के लिए, एक महीना लगता था, उसके ऊपर भी लगता था। तो बींग अटैक बाय द रोबर, दूसरा रॉबर उनको अटैक कर सकता था, मतलब कोई भी लुटेरा उनसे, चोर भी आकर उनसे सब लूट के लेके जा सकता था। नो लॉजिंग फैसिलिटी मतलब वहां पर रहने का भी जगह नहीं रहता था, तो जमीन पर ही सोना रहता पड़ता था, कभी कभी टेंट बांधकर सोना पड़ता था तो वहां पर कोई सांप बिच्छू भी उनको काट सकता था। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम था। इम्पॉसिबल फॉर पेरिशेबल गुड्स, इम्पॉसिबल पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, जो चीजें जो इतने रास्ते में जाते हुए खराब हो सकती थी तो उनको हम पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। ओके, तो डेंजर ऑफ बीइंग क्लोज डाउन बाय द रूलर,
तो जब जाते थे तो वहाँ के राजा में से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में से गुजरना पड़ता था, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज था कि वहाँ पर राजा बंद कर सकता था मेरे इलाके में से मत जाओ करके, तो बाद में तो ये भी एक प्रॉब्लम था उनको, तो इसी के वजह से उनको एक नया रोड ढूंढने का पड़ा कि जहाँ पर किसी का भी रूल नहीं होगा और वो सेफ होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे कौन कौन गया। तो पहला जो आदमी है वो मार्को पोलो है, विजिटी 13th सेंचुरी, कुबलाई खान ऑफ चाइना एंड ब्रॉट प्रेशियस स्टोन। तो मार्को पोलो ये पहला आदमी था, वो गया था कुबलाई खान के पास। ये कौन है, चाइना का राजा था उस टाइम पे, तो वहां पर गया और उसने वहां से प्रेशियस स्टोन लेकर आया, मतलब रूबी एमरल्ड जैसे बहुत सारे स्टोन रहते हैं महंगे वाले, वो लेकर आया। ठीक, बाद में देखेंगे। तो ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी रिटर्न बाय पातलमी, अभी ज्योग्राफी मतलब क्या, ज्योग्राफी मतलब एक बुक है, ऊपर मैंने पिक्चर डाला है, तो बुक बहुत सा यूज होता था इनके लिए, घूमने के लिए जाते थे तो बुक पढ़ के लेके पढ़ के जाते थे, नहीं तो लेके जाते थे अपने साथ, क्योंकि उस बुक में सब गाइड जैसा लिखा रहता था, मतलब किधर जाएगा, रास्ता कैसा है, कैसे जाने का, के कौन कौन सा बीच में देश मिलेगा ऐसा। तो ये ज्योग्राफी बुक करके एक था जो लिखा था पातलोमी करके, के पोटलोमी के, और दूसरा जो था वो अ मर्चेंट हैंडबुक, ये सेकंड बुक है जो फ्लोरेंटाइन ने लिखा था। ओके, बाद में पैट्रोनेज फ्रॉम द यूरोपियन मोनेंची बिकॉज दे कंसिडर एज अपॉर्चुनिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट विच वुड अर्न देम हाई रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी एंड लैंड। तो पैट्रोनेज मतलब क्या, जो वहां पर लोकल रूलर था जिसके अंडर वो सेलर जाते थे तो उनको वो मदद करता था राजा, पैट्रोनेज मतलब हेल्प, इसका मतलब हेल्प है, हेल्प देना। तो क्यों हेल्प करता था, क्योंकि वो जब आएंगे तो उनको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे अगर, इसलिए वो उनको हेल्प करता था। तो अपॉर्चुनिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट वुड गिव देम ह्यूज मनी एंड लैंड, तो जमीन पे उनके अंदर हो जाएगा, कब्जा कर सकते हैं नई जमीन पर। तो ल्यू लैंड वॉज लुक्ड अपॉन बाय द क्रिश्चियन मिशनरी एज अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड रिलीजन। तो नया जमीन मतलब नया कॉलोनी, जब भी वो जाते थे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लाते थे कि ऐसा ऐसा वहां पर एक ये है करके, देश है करके, तो वहां पर वो जाके कब्जा करते थे। तो कब्जा करने के बाद जो पादरी भी लोग थे उनके क्रिश्चियन के, तो वो भी वो बोटिक में जाते थे उनके साथ और उधर अपना धर्म का प्रचार करते थे, और बाद में वो धर्म चेंज करते थे थोड़े जानने के बाद, तो वो भी स्प्रेड कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे थे सब जगह। तो यूरोपियन हैड एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ नेविगेशनल एड्स लाइक मरिनल कंपास, एस्ट्रोलैब, ज्योग्राफिकल मैप्स, नॉलेज अबाउट शिप बिल्डिंग। तो अभी जाने के लिए उनके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज था बोल रहे हैं, और उनके पास नेविगेशनल एड्स भी था। तो नेविगेशनल एड्स मतलब क्या, जो जीपीएस ट्रैकिंग, नहीं तो हम मोबाइल से देखते हैं रास्ता किधर जाने का, उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। तो नेविगेशनल एड्स मतलब ऐसा कोई चीज जो उनको हेल्प करेगा रास्ता ढूंढने में। तो उस टाइम पे कौन सा रहता था ऐसा मशीन, तो एक था मरिनल कंपास जो आप भी यूज होता है, किसका मैं फोटो भी ऊपर डाला है मैंने, एस्ट्रोलैब करके एक था तो वो भी यूज करते थे, तो ज्योग्राफिकल मैप जो मैप्स रहता है वो, और नॉलेज ऑफ शिप बिल्डिंग, तो इतने बड़े समुन्द्र में जाने के लिए अच्छे अच्छे बोट्स उनको बनाना पड़ते, नहीं तो डूब जाते थे। सो ऑल दिस मरिनल कंपास वॉज द मोस्ट यूजफुल देन, इट वॉज एंशंट चाइनीज इन्वेंशन। तो मरिनल कंपास जो था वो सबसे ज्यादा यूज होता था बोल रहे ये, पर वो इन्वेंशन किसका था, चाइनीज का, पर चाइनीज ने बना के रखा हुआ था, वो यूज नहीं हो रहा था, पर जब ये घूमने के लिए जाने लगे बोट में से भी, तब उनको ये बहुत ही यूजफुल हुआ, क्योंकि ये बीच समुन्द्र में उसको रास्ता बताता था, ठीक है, और सटीक रास्ता बताते थे। तो क्रिस्टनटोनोपल ऑफ ईस्टर्न रोम, और कैपिटल था क्रिस्टनटोनोपल करके एक जगह रोम का। तो इन 1453 क्रिस्टनटोनोपल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ओटोमन टर्क, टर्किश रूलर डिड नॉट अलाउ टू कैरी आउट ट्रेड थ्रू दिस रूट। तो टर्किश रूलर ओटोमन टर्क ने वहां पर कब्जा कर लिया, मतलब जीत लिया क्रिस्टनटोनोपल, और अभी वो उनको जाने को नहीं देता था वो रोड से। तो अभी व्यापार धंधा को बहुत बड़ा झटका लग गया बोल रहे, और कोई भी जा नहीं सकता था अभी इधर का उधर। तो पोर्चुगीज वॉज द फर्स्ट, तो अभी एक एक देश का नाम देखा जाएगा तो जिसमें कौन कौन गया था। तो पोर्चुगीज वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, देयर मेन नेम वॉज गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड। तो पोर्चुगीज ऐसा पहला देश था जो ये देश ढूंढने में फर्स्ट था,
मतलब बोट लेकर गया था वो समुंदर से, कि वो समुंदर में आखिर क्या है और क्या मिलेगा हमको। तो ऐसे ढूंढने के लिए पहला जो गया था वो पोर्चुगेज था। ठीक, तो अभी देखेंगे कौन कौन गया था। तो उनका मेन एम था वो गॉड ग्लोरी और गोल था, मतलब गॉड मतलब धर्म का प्रचार करना क्रिश्चियन का, और ग्लोरी मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन इकट्ठा करना, और गोल्ड मतलब उधर से जो भी मिलता है वो लूट के लाने का। ठीक, ये उनका मेन एम था। तो प्रिंस हेनरी वॉज नोन एज हेनरी एज नेविगेटर, ही सेट अप स्कूल फॉर नेविगेटर एंड सर्विस फॉर मैप मेकर्स एंड शिप बिल्डर डिजाइनर। तो प्रिंस हेनरी उसका राजा था, किसका, पोर्चुगल का, तो उसको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि वो हेल्प करता था, नेविगेटर मतलब सेलर जो जाते थे उनको हेल्प करता था। कैसे हेल्प करता था, उनके लिए वो स्पेशल स्कूल बनता था, मतलब उनको सिखाने के लिए कैसे बोट लेके जाने का, अभी सब सर्विस ऑफ मैप मेकर वैसे मैप बनाने का, ठीक, और शिप डिजाइनर अच्छे अच्छे बोट बनने का, ये सब उसको स्कूल बनाया था उन्होंने, इसलिए उसको नाम पड़ा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इन 1488 बार्थोलम डायस रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका विच इज कॉल्ड द केप ऑफ गो स्टॉर्म। तो बार्थोलम डायस अभी ऐसे ही ढूंढते ढूंढते गया, तो ढूंढने से उसको पहला मिला अफ्रीका मिला, तो उसको सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका मिला, उसको उसने नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म करके। अभी अजीब सा नाम क्यों दिया, सिंस ही वॉज कॉट इन द स्टॉर्म एंड इट वॉज लेटर नोन एज केप ऑफ गुड होप। तो वो जाते समय समुन्द्र में तूफान में फंस जाता है, और तूफान में फंस जाने के कारण वो उसको नाम ऐसा देता है, तो केप ऑफ स्टॉर्म करके। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद वो चेंज कर देता है उसको नाम, और उसको लिखता है केप ऑफ होप करके। ऐसा क्यों लिखता है, क्योंकि ये अभी आशा बन गया था सबके लिए कि वह अब समुन्द्र में बार्थोलम डायस गया और इसने कुछ तो ढूंढ के निकाला, तो हम भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, तो ये बाकी के सेलरों को एक आशा की किरण थी, इसलिए उसने होप का नाम दिया, तो केप ऑफ गुड होप लिखा। इन 1498 वास्को डा गामा यूज द सेम रूट एंड रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड लैंडेड एट कलिकट 17 मई 1498, एंड देन ही गेट ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द लोकल रूलर ऑफ कलकत्ता। तो उसने क्या किया, वास्को डगामा भी वही रूट से गया, बार्थोलम डायस गया था वही, पर वो वहां पर नहीं पहुंचा, वो आगे चला गया। तो आगे चला गया तो उसमें उसको इंडिया ढूंढ के निकाला उसने, वास्को डगामा ने। तो कहाँ पर पहुंचा एग्जैक्ट, वो कलकत्ता में पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा था वो। उसने वहां से जो राजा था कलकत्ता का, उसने उससे वहां पर उसको ट्रेडिंग कंसेशन मांगा। ट्रेडिंग कंसेशन मतलब इसने कुछ भी लाया होगा, पैसा नहीं तो और कुछ नहीं, तो वो उसको दिया वहां के राजा का, और बोला कि यहाँ से कुछ चीजें मैं लेके जाऊंगा करके, तो उसको ट्रेडिंग कंसेशन बोलते हैं। तो उसने उसको एग्री हुआ, लेकर गया, तो वो बहुत सी मात्रा में वहां से प्रेशियस स्टोन, स्पाइसीज, स्पाइसेस मतलब मसाले भी लेके गए, और वहां पर वो बहुत डिमांड हो गया उनका, बहुत बिक गया, बहुत महंगा महंगा उसने ले लिया। तो यहाँ से एक्सप्लोरेशन इंडिया का शुरू हो गया, नहीं तो इसके पहले इंडिया में कोई नहीं आता था। तो इंडिया में बहुत सारा स्पाइसेस मिलता है, तो बाद में लोग आने लगे। बाद में स्पेनिश का बताया गया है, स्पेनिश अभी स्पेनिश स्पेन मालूम है ना, तो दूसरा देश है, तो स्पेनिश का भी एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया। इसका राजा था किंग फर्डिनांड और क्वीन इजाबेला, तो इनकी राजा और रानी थी क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनांड। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 ही लैंडेड एट बहामास, अ प्लेस विच ही मिस्टूक फॉर इंडिया। तो वो 12 अक्टूबर 1492 को बहामास को पहुंच गया, ये अमेरिका में है, तो ये समझा इंडिया है करके, और इंडिया के खोज करते करते वो अमेरिका पहुंच गया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये। तो अनदर एक्सप्लोरर किंग फर्डिनांड हैड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड बाय सर्कम नेविगेटिंग। तो उनका ही और एक सेलर जो किंग फर्डिनांड मैगलन करके है, सॉरी किंग नहीं है, फर्डिनांड मैगलन करके है, जो उसने प्रूव किया कि अर्थ है वो गोल है करके। कैसा, पूरा चक्कर मारा उसने, एक देश से शुरू किया, समझे अफ्रीका से शुरू किया, तो फिर से पूरा घूम के फिर से अफ्रीका को पहुंच गया। तो उसको मालूम होगा कि पूरा देश जो है गोल है, पूरा धरती जो है गोल है। तो इंग्लैंड स्टार्टेड देयर एक्सप्लोरेशन, जॉन कैबॉट लैंडेड एट केप बेनेटन आइलैंड एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश इंग्लिश ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जॉन कैबॉट जो है वो केप ऑफ बेनेटन आइलैंड में पहुंच गया, यहाँ पर उसने नॉर्थ अमेरिका ढूंढ के निकाला, और यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, मतलब वहां पर वो कब्जा कर लिया, वो रूल करने लगे वहां पर। तो फ्रांस स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन इन 16th सेंचुरी अंडर द रूल ऑफ फ्रांसिस वन। तो फ्रांस ने भी बाद में शुरू किया, उसका राजा था फ्रांसिस वन,
तो क्या हुआ देखेंगे, वेन दे ट्राई टू सेट अप द कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका। तो अफ्रीका ने क्या गलती किया कि वो अमेरिका जो इंग्लैंड थे उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिखा था नॉर्थ अमेरिका पर, तो ये भी गए और उन वहाँ पर झगड़ा करने लगे और उनके वहाँ से कुछ लूट के लाने लगे, तो उनका झगड़ा झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, और यहाँ से शुरू हो गया रेस जो पहला कोई ढूंढ के निकालेगा वो उसका इलाका होगा और कोई उसके इलाके में नहीं आएगा करके, तो बाद में रेस शुरू हो गया, जो होता है उतने जल्दी जल्दी सब ढूंढने लगे बोल रहे। तो एटलांटिक सी एज अ रिजल्ट ज्योग्राफिकल डिस्कवरी प्रूव एंड सून इट बिकेम द चीफ हाईवे ऑफ द कॉमर्स। तो एटलांटिक सी जो था वो अभी नया उन्होंने रूट ढूंढ के निकाला और ये जो रूट था वो अभी उनका मेन हाईवे चीफ हाईवे जैसा बन गया कॉमर्स का। एंड विद दिस द बेल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। तो पहले जो बेल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी था तो उनका अभी इम्पोर्टेंस कम हो गया, वो अभी चले गए। एंड दिस लीड टू राइज ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल हाईवे लाइक लिस्बन लंडन एम्स्टरडेम, और उनके सी ये भी कमर्शियल हाईवे भी अभी नए बन गए, लिस्बन लंडन और एम्स्टरडेम बन गए अभी। सो ड्यू टू द एक्सपेंशन इन कॉमर्स नीड द सपोर्ट ऑफ द रूलर दे प्रोवाइडेड फाइनेंस टू रूल अगेंस्ट द नो फ्यूडल नोबल। मतलब ये क्या है, जो अभी सेलर थे जो बड़े बड़े रिच बन गए थे सेल करके, उनको अभी फ्यूडल नोबल जो थे वो उनको तकलीफ दे रहे थे, वो टॉर्चर कर रहे थे, तो उनके बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकल जो रूलर थे राजा थे उनसे उन्होंने मदद मांगी और उनको पैसे देने लगे कि हमको इससे बचाओ करके। तो बाद में द वेस्टर्न पावर कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू द नेटिव एशियन एंड अफ्रीका रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलाइजिंग अनसिविलाइज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कॉल देम द व्हाइट मैन बर्डन। तो वेस्टर्न कल्चर मतलब यूरोप के सब नेश मतलब इंग्लैंड स्पेन पुर्तगाल ये सब थे, ये अपने को होशियार समझते थे, सिविलाइज मतलब पढ़े लिखे समझते थे, और अनसिविलाइज मतलब जो बाकी के अफ्रीका एशिया अमेरिका के लोग हैं उनको अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे नहीं है ऐसा समझते थे, तो उनको सिखाने के उन्होंने ठान ली और इसको ही उसने नाम दिया व्हाइट मैन बर्डन करके। तो याद रखना है। तो इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ कल्चर वे एबोलिश एंड रिप्लेस बाय वेस्टर्न कल्चर ज्योग्राफिकल डिस्कवरी गेव राइज टू द कॉलोनियल सिस्टम एंड एम्ब्रेलियन। तो इसी बीच वो अभी वो सिखाने की कोशिश कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर, तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारे संस्कृति भी तहस नहस हो गया, वो इंग्लिश एजुकेशन इधर लाए तो इधर के संस्कृत जो लैंग्वेज भाषा पढ़ाते थे तो वो भी बंद हो गया, वैसे थोड़े रिलीजन्स थे वो भी बंद हो गए, वो उनको पनाने नहीं देते थे तो क्रिश्चियनिटी भी धर्म उन्होंने अपना लिया, तो ऐसा बहुत सारे चेंजेस हो गए बोल रहे। तो यूरोपियन बिगेन टू इम्पोर्ट स्पाइसिस इंडियन टेक्सटाइल पर्सन फ्रॉम द ईस्ट इन अ लार्ज क्वान्टिटी। तो अभी इंडिया अफ्रीका भी जो है वहाँ से वो क्या लेके जाने लगे, स्पाइसेस लेके जाने मसाला, बाद में पर्शियन टेक्सटाइल कारपेट जो सब लेके जाने लगे इधर से, और यानी शिप ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ फिश फॉर एंड टिम्बर फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका से क्या लेके जाने लगे, फिश फॉर और टिम्बर, फॉर मतलब चमड़ी टिम्बर मतलब लकड़ी, तो वो लेके जाने लगे। एंड ऑन द अदर हैंड दे एक्सपोर्टेड नंबर ऑफ यूरोपियन मैन्युफैक्चर गुड्स, और उल्टा वो क्या करते थे, वो लेकर जाते थे उसका कुछ चीज बनाते थे, एग्जाम्पल फर्नीचर भी बना कर उसी गाँव में आके बेचते थे, नहीं तो दूसरे कंट्रीज में जाकर बेचते थे। तो इनोमस ग्रोथ इन कॉमर्स एक्टिविटी लेड टू द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, दे लोअर्ड द टैक्सेस ऑन द इंडस्ट्री बट इंक्रीज इन कॉलोनी। तो अभी क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा वो अभी वहां से लूट के लाने लगे, इंडस्ट्री फैक्ट्री में अपने बनाने लगे, तो इसके लिए बहुत सारा उनको पैसा लगने लगा, तो पैसा मांगने के लिए अभी किसके साथ जाते, तो इसके वजह से बैंक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे सकते हैं वो एस्टेब्लिश हुए, वो तैयार हो गए, और वो क्या करते थे अपने जो इंडस्ट्री थे उनके ऊपर कम टैक्स लगाते थे, और जो रॉ मटेरियल लाते थे समझे इंडिया से वो मसाला लेके जाते थे, तो मसाला तो उनको ही बेचना पड़ता था क्योंकि उन्होंने तो रूल लगाया था कि हमको ही बेचने जा, जो रूल करता है उसको ही बेचने का, दूसरे को नहीं बेच सकते, फॉरेन कंट्रीज को नहीं बेच सकते करके, तो उनको मजबूरी में उनको ही बेचना पड़ता था और उसके ऊपर वो बहुत सारा टैक्स लगाते थे, तो दोनों तरफ से फायदा करके लेते थे वो क्योंकि उनको टैक्स जो लोन लिया है वो पेमेंट करना था, इसलिए वो ऐसा करते थे।
तो जोग्राफिकल डिस्कवरी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबियन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू विच प्लांट्स एनिमल्स एंड आइडियाज ऑफ द यूरोपियन वे एक्सचेंज विद द अनदर। तो अभी क्या हुआ, इसी बीच बहुत सारे एक्सचेंज कोलंबिया सिस्टम से भी होता था। कोलंबिया सिस्टम मतलब कुछ चीज़ के बदले दूसरा चीज़ देते थे, तो ऐसा भी करते थे। तो इससे में क्या क्या आया है देखेंगे अभी इसमें। तो यूरोपियन ब्रॉड कैटल हॉर्सेस शीप्स टू द न्यू वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या बाहर से वो कैटल हॉर्सेस शीप्स मतलब घोड़े भी सब इंडिया में लाए, अफ्रीका में लाए, और इधर से क्या लेके जाते थे, टोबेको, सिल्क, प्रेशियस स्टोन के ये सब लेके जाते थे। तो ऐसा इधर आपका लेसन खत्म होता है। थोड़े पॉइंट्स देखेंगे जो आपको मदद करेंगे। सो न्यू कमर्शियल रूट क्यों ढूंढने को गए हो? सो एक तो यूरोपियन डिमांड फॉर द गुड्स इन द ईस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ रहा था। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ द लैंड रूट नीडेड फॉर द न्यू कमर्शियल रूट। सो लिमिटेशन था लैंड रूट्स में जाने से, उनको बहुत डेंजर होता था, खतरा होता था लॉन्ग रूट था। तो इसके वजह से भी नया रूट ढूंढने की कोशिश किया। एवर इंक्रीजिंग इंसेंटिव डिमांड ऑफ द गुड्स रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूरोपियन मर्चेंट टू फाइंड अ न्यू रूट। तो बहुत सारा उनको बहुत पैसे लेकर वो खरीदते थे, रिचर सेक्शन जो थे, अमीर थे, वो बोलते थे कितना भी तुम लाओ हम खरीदेंगे कितना भी पैसे में। तो वो पैसे की आशा भी उनको खींच के लेके जाती थी। कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर फेल इन टू द हैंड्स ऑफ ऑटोमन टर्क, टर्किश रूलर डू नॉट अलाउ टू ट्रेड थ्रू दिस रूट। तो टर्किश रूलर ने भी वहाँ से जाने को मना कर दिया, इसके वजह से भी उनको नया रूट ढूंढना पड़ा। तो प्रेशियस स्टोन डेट हैव ब्रॉट फ्रॉम क्रिएटेड इन द माइंड डिजायर ऑफ द ट्रेडर। तो प्रेशियस स्टोन ने बहुत उनको कमाई करके दिया था, इसलिए वो भी जाना चाहते थे नया रूट ढूंढने के लिए। तो बाद में यूरोपियन हैड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेल्थ एंड द रिचेस ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज। कैसे उनको पता था कि बाबा क्या क्या मिलता है? तो अर्लियर ट्रेड रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने बुक पे लिखा हुआ था कि ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट किया था पहले जाके। विटनेस बाय द प्रॉफिट अर्न नंबर ऑफ बुक्स वर पब्लिश इन द 15th सेंचुरी एंड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ट्रेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो बुक्स भी पब्लिश हुए थे के बहुत सारे, जैसे ज्योग्राफी बुक था, बाद में मर्चेंट हैंड बुक था, तो उनसे भी उनको बहुत मदद की। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो डाल दिया है और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो डाल दिया है। दोनों चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।